हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड स्मार्टफोन के चार्जिंग के बारे में, कि अगर आपका नोट चार्जिंग का प्रॉब्लम हो रहा है और आपका जो चार्जिंग जो है वो शो कर रहा है और डिस्प्ले पर जो है इंडिकेटर जो है शो कर रहा है बैटरी का, और आपका मोबाइल जो है चार्जिंग स्टॉक नहीं कर पा रहा है, तो इसे आप कैसे रिपेयर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको यही सारी बातें बताने वाला हूँ कि आप उस मोबाइल को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं और कैसे उसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो के नीचे यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में जो ये मोबाइल आप देख रहे हैं, ये मोबाइल जो है लावा का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और ये किसी कस्टमर्स ने हमें दिया है और इन्होंने हमसे कहा कि देखिए हम रात भर जो है इस मोबाइल को चार्ज में लगाएं और लेकिन मोबाइल जो है ये चार्ज नहीं हो रहा है। रीडिंग दिखा रहा है स्क्रीन पर लेकिन ये चार्जिंग जो है स्टॉक नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले इस मोबाइल को ओपन कर देना है, उसके बाद अपने मल्टीमीटर से इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है इस पर हमें वोल्टेज चेक करनी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चार्जिंग कनेक्टर के जो आगे वहां VCG लिखा होगा उस पॉइंट पे आपको मल्टीमीटर को रखना है, प्लस वायर को, उसके बाद माइनस वायर को आपको ग्राउंड में रखना है, उसके बाद इसका जो वोल्टेज चेक करना है। तो दोस्तों हम इसका वोल्टेज चेक किए तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट बताया है इसके चार्जिंग कनेक्टर पर, और बैटरी कनेक्टर पर जब हम इसकी वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 2.2 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम कुछ और है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करेंगे, दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें एक डाउट लगेगा और ये डाउट आप किसी पुराने मोबाइल से निकाल करके आप इस मोबाइल में फिट कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी कोई पुराना सर्किट होगा उस सर्किट से आप उस डाउट को निकाल सकते हैं। ठीक है, 4.3 वोल्ट का डाउट होगा, उस डाउट को आप अपने बोर्ड से निकाल लीजिए, पुराने बोर्ड से, और आपको इस मोबाइल में यहाँ पे VCG कनेक्शन का जो यहाँ पे पॉइंट है इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे इसे सोल्डिंग करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, और लेकिन इसलिए मैं आपको लास्ट में वीडियो के अंत में मैं आपको एक डायग्राम दिखाने वाला हूँ इसका, और इस डाउट का, कि आप इस डाउट का जो कनेक्शन है, इसका जो जम्पर है, आप कैसे करेंगे वाइब्रेट से लेकर के VCG कनेक्शन तक। तो इसमें आपको जो डायग्राम मैं दिखाऊँगा उस डायग्राम को देख करके आप समझ जाएंगे कि आपको इसका जो वायरिंग है वो कैसे करना है। इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक डाउट जो है मैंने पुराने मोबाइल के बोर्ड से निकाल लिया है, इसे हमने यहाँ पर रखा है, आप इस डाउट को देख सकते हैं। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है साफ साफ तो मैं अभी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा और आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। और इस डाउट को हमें जो यहाँ पर जो है मोबाइल के जो बोर्ड है सर्किट है, इस सर्किट के जो चार्जिंग कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर के आगे में एक VCG लिखा होगा पॉइंट, उस पॉइंट पर हमें जो है इस डाउट को सोल्डिंग करना है। और उससे पहले हमें इस डाउट को जो है नाप लेना है कि यह डाउट जो है हमारा जिस बोर्ड से हमने निकाला है ये डाउट ठीक है या खराब है, तो इस डाउट को हमें पहले चेक कर लेना है। तो इस डाउट को हम चेक कैसे करेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, अपने मल्टीमीटर को जो है बीप मोड पर रखना है, जहाँ पे आपका मल्टीमीटर बीप देता है, ठीक है, उस मोड पर आपको रखना है। उसके बाद डाउट को अपने हाथों में लेकर के आपको दोनों तरफ से आपको चेक करना है, और जिस तरफ से आपको डाउट अगर उसका वोल्टेज शो करेगा समझ लीजिए वो प्लस पॉइंट है, और जिस तरफ आपका जो है वोल्टेज शो नहीं करेगा समझ लीजिए वो माइनस पॉइंट है। तो जो माइनस पॉइंट होगा डाउट का, उस माइनस पॉइंट को आपको चार्जिंग कनेक्टर के VCG जहां पर लिखा है उस VCG पॉइंट पर आपको सोल्डिंग करना होगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, अगर डाउट आपका दोनों तरफ से अगर आपका शो कर रहा है तो डाउट खराब माना जाएगा, और डाउट अगर आपका दोनों तरफ से अगर शो नहीं कर रहा है तो भी डाउट आपका खराब माना जाएगा। डाउट को जो है सही नाप चेक करने के लिए आपको डाउट का एक सिरा में जो है उसका वोल्टेज शो करनी चाहिए और दूसरे सिरा में जो है उसका वोल्टेज शो नहीं करनी चाहिए, तभी उस डाउट को सही माना जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं आपके एक सिरे में इसका जो वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है, इसका मतलब ये जो है प्लस पॉइंट है, और जिस तरफ से वोल्टेज शो नहीं किया तो वो हमारा जो है माइनस पॉइंट है। तो माइनस पॉइंट को हमें जो है VCG के जो है पॉइंट है उस पॉइंट पे हमें जो है सोल्डरिंग करना है, इस डाउट को वहाँ पर चिपका देना है।
दोस्तों इस डाउट को हम यहाँ पे जो है सोल्डिंग कर रहे हैं। यहाँ आपको साफ साफ नहीं दिखा रहा होगा शायद, लेकिन मैं आपको अभी डायग्राम के जरिए जो है आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि इस डाउट को आपको जो कनेक्शन कैसे करना है, इसकी जो वायरिंग है आपको कैसे करना है। तो वीडियो के अंत में लास्ट में मैं आपको जो डायग्राम आपको दिखाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डाउट जो है यहाँ पे उसका जो वायरिंग है वो कैसे करना है। दोस्तों डाउट को मैंने जो है बोर्ड में जो है मैंने सोल्डिंग कर दिया है। अब इसमें हम चार्जिंग जो है इसमें लगा देते हैं, उसके बाद इसका जो वोल्टेज हम चेक करते हैं डाउट के जो प्लस सिरे पर जो इसका वोल्टेज है वो कितनी वोल्टेज आ रही है इसका पता हमें चल जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये डाउट हमारा अगर सही है तो यहाँ वोल्टेज शो करेगा आगे में, क्योंकि पीछे में जो है VCG में जो इसका 5 पॉइंट कुछ वोल्ट था और डाउट के आगे जो उसका वोल्ट निकलेगा वो कम से कम 4 पॉइंट कुछ वोल्ट होनी चाहिए। तो अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 4 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा डाउट जो है बिल्कुल क्लियर है, सही है। अब इसमें हम आगे डाउट में जो है एक जम्पर दे करके हम बैटरी कनेक्टर के जो पीछे में जो वाइब्रेट लिखा होगा वहाँ पे हमें इसे सोल्डिंग करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो डाउट के आगे में जो प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट से जो ये 4.5 वोल्ट निकल रहा है और डाउट के जो पीछे है जो माइनस पॉइंट है और जहाँ के मैंने VCG पर उसको डाउट को जो मैंने सोल्डिंग किया है वहाँ पे जो है 5 वोल्ट निकल रहा था चार्जर से। और उसके बाद इस डाउट से जो मैंने जम्पर किया यहाँ पे VCG पर सॉरी वाइब्रेट पर, तो वाइब्रेट पर जो है वहाँ पे बैटरी करंट पे हम उस पर चेक कर लेते हैं वहाँ पे कितनी वोल्टेज जा रही है, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको जो है कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मीटर को मल्टीमीटर को आप बीम मोड पर रखें और उसके बाद जो जम्पर आपने लगाया है यहाँ पे VCG कनेक्शन से डाउट के माध्यम से वहाँ पे बैटरी कनेक्टर के वाइब्रेट से, तो बैटरी कनेक्टर पे पॉइंट पर रख करके आप यहाँ पे डाउट के सिरे पर रख करके आप इसका कंटिन्यूटी चेक कर लें। अब मीटर को बीप देना चाहिए, अगर मीटर बीप दे रहा है इसका मतलब हमारा जम्पर सही लग चुका है। अब हमें इसका जो है बैटरी कनेक्टर का जो चार्जिंग वोल्ट है उसे हमें चेक कर लेना है, ठीक है। तो बैटरी कनेक्टर पर कितनी वोल्ट आ रही है ये हमें चेक कर लेना है। तो मल्टीमीटर का जो माइनस वाला वायर है उसे हमें मोबाइल के ग्राउंड पर रखना है और उसके बाद चार्जर हमें जिसमें कनेक्ट कर देना है, उसके बाद वोल्टेज चेक करना है बैटरी कनेक्टर पर कि कितनी वोल्टेज इसमें आ रही है। दोस्तों आपको मल्टीमीटर का जो माइनस वाला वायर है उसे मोबाइल के ग्राउंड पर रखना है, उसके बाद प्लस वाला जो वायर है मल्टीमीटर का उसे आपको बैटरी कनेक्टर पर रखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 4.3 वोल्ट जो है शो कर रहा है, तो इसका मतलब है अब हमारा जो ये बैटरी है ये चार्ज करेगा और इस मोबाइल में जो ये प्रॉब्लम थी जो है कि रीडिंग चल रहा है और चार्जिंग स्टॉक नहीं हो रहा है, तो ये शिकायत जो है इससे दूर हो जाएगी और ये जो मोबाइल है ये बैटरी को चार्ज करेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डायग्राम की, कि मैंने जैसे आपको बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा कि आपको इसका डाउट का जो वायरिंग है कैसे करना है, क्योंकि आपको ये वीडियो जो है साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं और आपको समझा भी देते हैं कि आपको कैसे वायरिंग करना है। तो दोस्तों आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हम दिखा रहे हैं आपको कि जिस डाउट को हमने किसी पुराने बोर्ड से निकाला तो वो 4.3 वोल्ट का डाउट होता है, ठीक है। उसे आप मल्टीमीटर से नाप सकते हैं, तो जैसे हमने मल्टीमीटर से इस डाउट को नापा था तो एक तरफ जो है डाउट में जो है वोल्टेज शो किया था 7 पॉइंट कुछ वोल्ट, तो वो प्लस माना जाएगा। तो वो प्लस का जो सिरा है आप देख रहे हैं डायरेक्ट यहाँ वाइब्रेट पर आ रहा है, और वाइब्रेट का कनेक्शन कहाँ जा रहा है तो बैटरी कनेक्टर पर प्लस पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद जिस तरफ से हमारा डाउट सोने किया मल्टीमीटर में तो उसे हमने माइनस माना, और उस माइनस का जो कनेक्शन है डायरेक्ट वो VCG पर जा रहा है, और VCG का जो कनेक्शन कहाँ है तो वो चार्जिंग कनेक्टर का आगे में एक पॉइंट है, ठीक है, उसमें VCG लिखा हुआ है और उसमें 5 वोल्ट आता है चार्जर लगाने पर, ठीक है।
वहाँ पर ये जा रहा है, तो वहाँ पे आपको ये जंपर करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर, ताकि वो लोग भी देख सकें सीख सकें। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।